हेलो दोस्तों, आप सभी नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, पाकिस्तान के बॉलर मोहम्मद आमिर ने विराट कोहली एक काफी बड़ा बयान दिया, उस पर आप लोग से बात करें। क्या कुछ कहा विराट कोहली लेके, उस पर बात करेंगे आगे। देखिए, शोएब अख्तर ने भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही बेकार, बहुत बेतुका सा बयान दिया है। क्या कुछ कहा उस पर हम बात करेंगे आप लोग से। उसके बाद देखिए, क्या विराट कोहली भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप 2022 जिताएंगे, इन तमाम चीजों को आप लोग से बात करेंगे। आप सभी लोग क्रिकेट ऑफिसर जी में स्वागत है, मेरा नाम सतीश मिश्रा है। देखिए, पाकिस्तान के बॉलर मोहम्मद आमिर, देखिए इस समय उनका मतलब कि पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेलते हैं, लेकिन अभी रिटायर्ड लिए भी है, नहीं भी लिए, दोनों चीज कह सकते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि बात करते हुए कहा कि मैं पहले बहुत बार बोल चुका, विराट कोहली इस एरा का बेस्ट बैट्समैन है, मतलब कि जो मॉडर्न एरा है उस एरा का बेस्ट बैट्समैन है विराट कोहली। आगे उन्होंने कहा, जिस प्रकार से उस दिन पाकिस्तान के मुंह से मैच खींच निकाल के ले गया, और विराट कोहली के सिवा कोई और नहीं कर सकता है। आगे उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से विराट कोहली ने प्रेशर को अब्सॉर्ब किया, और विराट कोहली से बेटर कोई और बल्लेबाज नहीं कर सकता है। जिस सिचुएशन में विराट कोहली मैच को निकाल के लिए गए हैं, कोई दूसरा बल्लेबाज ऐसा नहीं कर सकता। इन तमाम चीजों को उन्होंने इस तरह की बातें विराट कोहली की कही है, जो बिल्कुल सही है। क्योंकि जो पाकिस्तान का मैच था, देखिए इसके पहले कहा जाता था विराट कोहली T20 में जगह नहीं बनती है उनकी, तो मतलब कि तीन तीन पोजिशन में सूर्या खिलाना चाहिए, हुड्डा खिला लेना चाहिए, और तमाम प्लेयरों की बात होती थी कि संजू खिला लीजिए, ईशान किशन खिला लीजिए, विराट कोहली से अच्छे बैट्समैन हमारे पास T20 को गए हैं। लेकिन क्या हुआ उस दिन, ना सूर्या काम किए, ना कोई अदर प्लेयर काम किया, आपका काम कौन किया? विराट कोहली। लेकिन बहुत, अगर मुकाबला भारत हारता तो बहुत बड़ी लानत लगती भारतीय टीम पे, क्योंकि 2021 में T20 वर्ल्ड कप 2022 पाकिस्तान सारा, अगर इस मुकाबले में भी पाकिस्तान जीतता तो बहुत बड़ी लानत, बहुत बड़ी बहुत बड़ी बेइज्जती थी भारत की। जो विराट कोहली ने इज्जत मर्यादा सब कुछ बचा लिया विराट कोहली अपने बल्ले से, और उन तमाम लोगों को करारा जवाब दिया जो विराट कोहली कहते थे विराट कोहली फिनिश हो चुके हैं, विराट कोहली अब कुछ खास नहीं कर सकते, विराट कोहली अब रन नहीं बना सकते, विराट कोहली T20 का प्लेयर नहीं है। इन तमाम चीजों पूर्ण विराम लगा दिया, और उन तमाम लोगों के मुंह पे जो बहुत बुरी तरह से तमाचा मारा है, और तमाचा विराट कोहली ने नहीं मारा, तमाचा नेचर ने मारा है, तमाचा मारा है ईश्वर ने, भगवान ने मारा है। क्योंकि आप किसी साल गलत अन्याय करते हैं तो वो भी सब देखता है, और नेचर के जो वृद्ध होता है उसका काम आपके साथ होने ही वाला है, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि विराट कोहली ने पूरे बल्ले से अपने जवाब दिया। आगे देखिए, शोएब अख्तर ने क्या कहा टीम इंडिया को लेकर, जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गए और बौखलाहट में आके शोएब अख्तर ने यह कह दिया कि पाकिस्तान तो मतलब कि बाहर हो ही चुकी ऑलमोस्ट, लेकिन भारतीय टीम कोई 30 मार्क खा नहीं है और भी सेमीफाइनल बाहर हो जाएगी। देखिए, ये किस बात के लिए, आप मान लीजिए सेमीफाइनल हम बाहर हो गए, भारत बाहर हो गई है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं बाहर हो गई, तो उसे कौन सा आपको क्या दिक्कत शोएब अख्तर है, शोएब अख्तर को कौन सी प्रॉब्लम है भारतीय टीम से कि मतलब उनकी टीम जिम्बाब्वे से हार गई, इसलिए वो मतलब कि मना रहे हैं कि मतलब किसी को विश कर रहे हैं कि भारतीय टीम भी बाहर हो जाए, जिससे हंसने का मौका मिल जाए, जिससे ये करने का मौका मिल जाए, देखो पाकिस्तान तो बाहर हुई, भारत बाहर हो गई, क्या इसीलिए शोएब अख्तर? देखिए, इस तरह के पूर्व खिलाड़ी इस तरह का बयान देते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कि उनको वो सूट नहीं करता। आप अपने टीम को लेके पाकिस्तान बताइए, पाकिस्तान कैसे बेहतरी आ सकती है, पाकिस्तान कैसे अच्छा कर सकता है वर्ल्ड क्रिकेट में, इन तमाम चीजों बात करने के बजाय आप ये बोल रहे हैं कि भारतीय टीम भी सेमीफाइनल में बाहर हो जाएगी और भी कोई 30 मार्क खा नहीं, कम से कम हमारी टीम सेमीफाइनल तक तो पहुंचेगी, आपकी टीम तो जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार गई, जो एसोसिएट टीम है जिम्बाब्वे, कौन सी टीम है जिम्बाब्वे, तो एसोसिएट टीम है, नीचे की टीम है वो, आपके बल्लेबाज वर्ल्ड क्लास के बल्लेबाज बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये आपके जो ICC रैंक में लेके फोटो लेके बैठे हुए हैं, कौन सी गेंद खेल लिए शोएब अख्तर साहब, थोड़ा बताइए शोएब अख्तर साहब कि कौन सी गेंदबाजी खेल लिए बाबा राजा मोहम्मद रिजवान, और आप ये बात करते हैं कि भारत लेके भारत सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगी, कम से कम सेमीफाइनल तो बाहर होंगे, आप तो जिम्बाब्वे जैसी छोटी टीम से, नीचे की टीम से जिसे कोई नहीं पूछता है, उससे आप हार गए, 130 रन का चेस भी नहीं कर पाए आप शोएब अख्तर, थोड़ा उस पर बात कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, क्रिकेट बात कीजिए, मत बताइए कि भारतीय टीम कहां तक जाएगा और कहां से आउट हो कहां से, ये आपकी बात करने का दम नहीं, औकात नहीं पड़ी बात तो। अब भारत के साथ आपने क्या किया वो भी सबको पता है, जब जाहिर है कोई डाउट नहीं, आपने वर्ल्ड क्रिकेट में क्या कुछ किया है, बस कल मुंह फेंकू और मुंह बातें करते हैं, बाकी कोई बातें और अच्छी बातें नहीं करते शोएब अख्तर। देखिए, जिस प्रकार का बयान दिया, बहुत बेतुका, बहुत ही खराब, बहुत ही गंदा और अभद्र उस तरह स्टेटमेंट था,
जो बिल्कुल एक तरह से बंद। अगर आपसे पूछा जाता तो आप बोलते ठीक, अपने मन से के भड़ास निकालने के लिए कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गई इसलिए आप इसलिए बेतुका बयान दे रहे हैं कि जिससे भारत को भी नीचा दिखा सके, जो ऐसा होने वाला नहीं। हमारी टीम सेमीफाइनल जीतेगी, हमारी टीम फाइनल भी जीतेगी और हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन से धरती से ट्रॉफी लेकर भारत भी लौटेगी। ये भारतीय टीम है, ये कोई पाकिस्तान टीम नहीं है जो इतनी आसानी से हार मान जाए। हारेंगे भी तो लड़के हारेंगे। देखिए आगे उन्होंने देखिए आगे हम आप लोग से बात की, सौ एकत्तर की बात शेयर किया मैंने आप लोग से। आगे देखिए विराट कोहली जिस प्रकार से फॉर्म में, पाकिस्तान के खिलाफ एक हारा हुआ मुकाबला जो ऑलमोस्ट 31 रन पे 4 विकेट था वहां से कार लेकर मैच जिताया। नीदरलैंड के खिलाफ नाबाद फिर से रहे और 62 अभी दोनों मैच में नाबाद रहे हैं, आउट कोई आउट नहीं कर पाया। अभी देखिए संडे को 30 तारीख को भारत और साउथ अफ्रीका के मुकाबले जो बड़ा मुकाबला माना जाए क्योंकि बॉलिंग बहुत जबरदस्त है। मार्को यानसन हो गए, नेगड़ी हो गए, उसके बाद देखिए रबाडा हो गए, नोरकिया हो गया, पार्नेल हो, तो तमाम अच्छे बॉलिंग के पास अवेलेबल है। तो देखिए यही उम्मीद है कि भारत वहां भी जीतेगा और जो सेमीफाइनल की टिकट है उस मैच को जीतने के बाद सिक्योर कर लेगा सेमीफाइनल टिकट। देखिए अभी सिक्योर सेमीफाइनल तक भारत पहुंचने का पूरी लायक है क्योंकि आगे जो मुकाबले हैं जिम्बाब्वे से मुकाबला खेलेगा भारत खेलेगा और एक बांग्लादेश से और एक अभी जो संडे का मुकाबला है 30 तारीख को है साउथ अफ्रीका से, तो आराम से भारत जीतेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। भारत आराम से सेमीफाइनल पहुंचेगा और सेमीफाइनल जो भी टीम आएगी मारेगी क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया जो T20 वर्ल्ड कप 2022 बार हो रहा है काफी बरसात की टीमें बरसात की मार पड़ रही जिससे जो टीमें अच्छी है वो भी थोड़ा पीछे हो जाए। देखिए अभी देखिए आयरलैंड जीत गई इंग्लैंड से जबकि देखा जाए तो वो मैच इंग्लैंड आराम से जीत जाता लेकिन फिर भी बारिश की वजह से उसे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए और इंग्लैंड हार गए। आज भी देखिए ऑस्ट्रेलिया मुकाबला नहीं हो पाया क्योंकि बरसात हो गया MCG में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जिसकी वजह से मुकाबला नहीं हो पाया। 1-1 पॉइंट दोनों संतोष किया और इसमें फायदा किसका हुआ, इसमें फायदा ऑस्ट्रेलिया टीम के हुआ इसका क्योंकि एक पॉइंट मिल गया और इंग्लैंड एक मैच हार चुकी है आयरलैंड से, तो अब बाकी बचे मुकाबला जीतना होगा इंग्लैंड को तो अच्छे मार्जिन से भी जीतना होगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो लेकिन जो बात बुरी लगी मुझे कि विराट कोहली जिस प्रकार से खेल रहे हैं उस जिस प्रकार से अपना परफॉर्म किए कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं ये ओल्ड विराट कोहली लग रहे हैं और T20 वर्ल्ड कप 2022 बल्ले और जिस प्रकार बल्ला चल रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा भारतीय टीम इस बार ट्रॉफी जीतेगी और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाकर भारत वापस लाएगी। बस इसी तरह से अब बल्ला चलते रहना चाहिए विराट कोहली का। अभी कुछ मैचेस बचे हैं आपके फाइनल और सेमीफाइनल में, ये दो मेन मुकाबले होते हैं क्योंकि नॉकआउट मुकाबले होते हैं, यहाँ विराट कोहली का बल्ला चलना बहुत जरूरी है। विराट कोहली बल्ला चल गया तो समझ लीजिए मैच हम जीत गए हैं, मैच जीत चुके हैं, वर्ल्ड कप ने उठा लिया समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पे जीतना बहुत जरूरी है। इसी उम्मीद से मिलते हैं, ख्याल रखिए, चैनल सब्सक्राइब किए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, मिलते हैं इस वीडियो में, बाय, टेक केयर।